ठीक है, तो ये जो है मेरे पास बेसिकली क्या है, ये जो फिबोनाची सीरीज है लास्ट वाला ही अपना प्रोग्राम है फिबोनाची सीरीज वाला। अब मुझे क्या करना है, टर्म्स प्रिंट करनी है ना, कि अगर टर्म 3 दे रखी है तो मुझे शुरू की 3 टर्म्स प्रिंट करनी है, अगर टर्म 5 दे रखी है तो शुरू की 5 टर्म्स, और अगर टर्म 10 दे रखा है तो शुरू की 10 टर्म्स मुझको प्रिंट करनी है। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे ना, अभी हमने क्या, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा है कि अगर मुझे 5 दे रखा हो, ये 5 दे रखा हो है ना, तो मैं जो है इंडेक्स पे था बेसिकली है ना, अभी तक हमारा प्रोग्राम इंडेक्स पे था। जैसे इसकी इंडेक्स क्या होती है, ये तो आपकी मेन सीरीज हो गई, इंडेक्स इसकी क्या है, 0 1 2 3 4 है ना, तो मुझे अगर 4 दे रखा है तो ये 3 प्रिंट कर देता है ना, अगर मुझे 4 दे रखा है और मैं ऐसे करूंगा फिब 4, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 3। फिर अगर मुझे दे रखा है कि फिब जो है आपका 5 6 7, अगर मेरे को दे रखा है फिब 7, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 13 ना। ये प्रोग्राम तो हमने लास्ट कराई था ना, हमारा प्रोग्राम भी यही कर रहा है कि अगर मैंने फिब 7 करा तो ये जो है मेरे को 7 का क्या है 13, ये मेरे को 13 दे देगा ना। अब मुझे टर्म वाला देखना है, प्रिंट कराने हैं सारी सीरीज, अब के मुझे सारी सीरीज ही प्रिंट करानी है, तो यही फंक्शन है, यही फंक्शन यूज में लेंगे, लेकिन इसको लूप के अंदर यूज में लेंगे ना। अब देखो लूप कैसे यूज में लेंगे, इसी फंक्शन के अंदर। तो ये वाला तो मेरा हो गया, एन की जगह मैं अब बेसिकली यूज लेता हूँ टर्म, कि मुझे टर्म एंटर कर दो ना, कहाँ तक आपको प्रिंट करवानी है, टर्म ले ली, और ये टर्म मैंने जो है एम्परसेंड लिख दिया टर्म, ठीक है, एम्परसेंड टर्म लिख दिया, तो अब मेरा आउटपुट विंडो पर आ जाएगा प्रोग्राम, आउटपुट विंडो पर मेरे को टर्म एंटर कर देगा 3 है ना, तो अब मेरे को क्या प्रिंट करना है, 3 एंटर करा है तो आउटपुट आना चाहिए 0 1 और 1 है ना, ये आउटपुट आना चाहिए, 3 एंटर करूंगा क्योंकि शुरू की 3 टर्म्स मेरे को प्रिंट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सीधा सा ये है कि फोर लूप लगा देंगे, फोर आपका आई इक्वल टू 0, तो एक वेरिएबल और ले लो यहाँ पर आई, ठीक है, आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन टर्म, और आपका प्लस प्लस आई, ठीक है बस। और यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको करना है प्रिंट एफ, प्रिंट एफ आपका ये परसेंटेज डी, और यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो ना, या फिर कॉमा लगा दो, हमने पहले भी बात करी थी कि ये बीच में अगर कॉमा चाहिए तो यहाँ परसेंटेज डी के बाद कॉमा लगा दो, कॉमा लगा दिया और फिर मैंने क्या कर दिया, फिब आपका फिब कर दिया और ये आपका आई कर दिया ना, फिब और आई, ठीक है। तो ये जो है बस आपका काम हो गया। अब देखो इसका आंसर देखो क्या, ये कैसे आएगा, 0 1 1 आंसर आना चाहिए था, क्या आ रहा है, देखो शुरू में आई इक्वल टू 0 है, टर्म की वैल्यू क्या है आपकी, 3 डालिए ना, तो आई लेस देन 3 तक चलेगा ये, तो शुरू में आई इक्वल टू 0 उसके लिए चलेगा, फिर आई इक्वल टू 1 के लिए चलेगा, फिर आई इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, जब आई 3 होगा तो 3 लेस देन 3 ट्रू नहीं है तो नहीं चलेगा, मतलब ये लूप 3 बार चलेगा, एक बार आई इक्वल टू 0 होगा तब चलेगा, एक बार आई इक्वल टू 1 होगा तब चलेगा, और एक बार आई इक्वल टू 2 है तब चलेगा। ठीक है, तो देखो जब आई इक्वल टू 0 है तो इसने क्या प्रिंट करा आपका, आई इक्वल टू अगर 0 है तो ये क्या हो गया आपका, फिब 0, फिब 0 प्रिंट कर रहा है, फिब 0 की वैल्यू क्या है 0, तो ये तो 0 प्रिंट हो गया आपका है ना, और 0 के साथ मैंने कॉमा भी प्रिंट करवा रखा है। फिर उसके बाद आई इक्वल टू 1 हुआ, आई इक्वल टू 1 हुआ तो क्या प्रिंट करा, फिब 1, फिब 1 की वैल्यू क्या है आपकी 1 ही है, तो ये 1 प्रिंट हो गया। फिर फिब 2 प्रिंट होगा तो फिब 2 की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, तो देखो 3 मैंने डाला और 3 टर्म्स इसने प्रिंट कर दी, इसीलिए अगर मैं टर्म की वैल्यू अगर 10 डालूंगा तो ये 10 टर्म प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये प्रोग्राम आपकी बुक में दे रखा है इसलिए अपन ने ये कर लिया। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना, इसको नोट डाउन कर लो आप ना, और ये आपका रिकर्सिव हमने कल बनाया ही था फंक्शन, ये हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये बोला जाए कि किसी भी फिबोनाची सीरीज की शुरू की 10 टर्म्स प्रिंट करनी है, 9 टर्म्स प्रिंट करनी है, इस तरह का आपको प्रोग्राम बनाना है, तो ये वो प्रोग्राम है जो बुक में दे रखा है। ठीक है, तो वो अपन ने देख लिया। ठीक है चलो, और यहाँ पर वही आपका गेट सी एच लिख दो है ना, यहाँ पर वही आपका गेट सी एच आ जाएगा, और ये आपका नीचे जो है फिबोनाची सीरीज का वो प्रोग्राम आ जाएगा। ठीक है चलो फटाफट फोटो खींच लो, अगला प्रोग्राम देख लेते हैं। देखो अब जीसीडी कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर का ना, तो ये सारा का सारा तो ऐसे ही रहने दो अपना, बीच का पार्ट तो, बीच के पार्ट को तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो है आपका चेंज हो जाएगा, देखो जीसीडी मैथ्स का कॉन्सेप्ट है ना, किसको पता है जीसीडी के बारे में, जीसीडी या एचसीएफ किसी ने पढ़ा है ना, वैसे शायद पढ़ते हैं 9th और 10th में, जीसीडी या एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, किसी ने पढ़ा ये,
यस और नो फटाफट रिप्लाई कर दो यस, ठीक है। तो वही चीज है ना, वही चीज है, हमको वही चीज प्रोग्राम बनाना है उसी चीज का, ठीक है। तो देखो जीसीडी क्या निकालनी है, आपको दो नंबर्स दे रखे होंगे ना, जैसे आपको नंबर दे रखा है 12 और आपको नंबर दे रखा है 30, ये दो नंबर्स दे रखे हैं ना, बुक में बुक वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं 12 और 30, तो इन दोनों का जीसीडी निकालना है ना। और एचसीएफ भी सेम ही चीज होती है ना, या तो एचसीएफ बोल दो या जीसीडी बोल दो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब ही जीसीडी होता है ना, जीसीडी का मतलब ही एचसीएफ होता है, दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज के दो नाम है। ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, दोनों एक ही चीज के दो नाम है। जीसीडी की फुल फॉर्म लिख लो, एचसीएफ तो आपने पढ़ा होगा, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो ये आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, इसका मतलब एचसीएफ ही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन 9 10th में करे हुए हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 6, ठीक है। आंसर क्या आएगा इनका, 6 आएगा, है ना। यही होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कि इन दोनों में से जो है कॉमन फैक्टर कौन सा है। निकालते कैसे हैं ये भी देख लो, देखो फटाफट, ये आपका 12 है, ये आपका 30 है ना, इसके फैक्टर्स लिखते हैं, तो 2 × 2 × 3 है ना, और इधर क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 5 है ना। अब इसमें से जो कॉमन होता है वो ले लेते हैं, 2 कॉमन है 2 ले लिया, और क्या 3 कॉमन है 3 ले लिया, बस ये दो ही कॉमन है, तो 2 × 3 कितना हो गया, 6, तो 6 इसका आंसर आता है ना, ये आपने करा होगा। अब बस मेरे को इसका प्रोग्राम बनाना है ना, कंप्यूटर से इसका प्रोग्राम निकालना है, कि मैं कोई भी दो नंबर दूंगा और ये मुझे बता देगा कि जीसीडी क्या होगा इसका, ठीक है। तो यही है कि मैं दो नंबर दूंगा और ये मुझे जीसीडी एंटर करके बता देगा कि भाई इन दोनों का जीसीडी ये है, ठीक है। वही चीज देखते हैं, वही प्रोग्राम बनाना है हमको। तो देखो कैसे बनेगा ये प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम है। पहले तो दो नंबर लेने हैं आपको कोई से भी, है ना। तो जैसे दो नंबर मैं ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ मैं एक्स, एक नंबर ले लेता हूँ वाई, ठीक है। तो मैंने लिया पहले इंटीजर एक्स और वाई, ठीक है, ये दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए, फिर दोनों को आपके आउटपुट विंडो से दोनों वेरिएबल एंटर करवा लिए। तो कैसे करवाएंगे, वही स्कैन एफ परसेंटेज डी एम परसेंट एक्स, ठीक है। और इसी तरह आपने लिया स्कैन एफ परसेंटेज डी और आपने लिया एम परसेंट वाई, ठीक है। तो ये अगर मान लो मैंने 12 एंटर कर दिया और ये मैंने 30 एंटर कर दिया, तो एक्स की वैल्यू होगी आपकी 12, y की वैल्यू हो गई आपकी 30, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, और यहां पर तो डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल करना है ना, तो यहां पर तो डायरेक्ट आउटपुट लिख देते हैं, प्रिंट एफ, यहां पर मैंने करा परसेंटेज डी और मैंने कर दिया जीसीडी, जीसीडी एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये मैंने फंक्शन बना लिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा मेरे पास 12, ठीक है, 12 नहीं 6, अभी 6 निकाला था ना, तो ये आंसर मेरे को प्रिंट कर देगा 6, ठीक है। 12th में आंटर डालूंगा, 12 डालूंगा, 30 डालूंगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोग्राम बनाते हैं जीसीडी का ना, बिल्ली हमको जीसीडी का प्रोग्राम बनाना है, और जीसीडी का प्रोग्राम रिकर्शन से बनाते हैं ना, तो रिकर्शन से क्या होता है, छोटा सा प्रोग्राम बन जाता है, और अगर बिना रिकर्शन के बनाएंगे तो लंबा सा बनेगा, ठीक है। रिकर्शन बेसिकली, रिकर्शन से जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो ना कोई, तो प्रोग्राम बहुत छोटा सा बन जाता है। आपको करना क्या पड़ता है, जब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि आपको जो है एक रिलेशन बनाना पड़ता है ना, एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाना पड़ता है, वो जैसे ही आपने रिलेशन बना लिया वैसे ही आप प्रोग्राम बना लोगे, और छोटा सा आंसर बन जाता है आपको, छोटा सा प्रोग्राम बन जाता है, बस आपको रिलेशन बनाना पड़ता है। देखो जीसीडी का क्या होता है, जीसीडी आपका जो होता है ए बी, अगर कोई दो नंबर है ए बी, उसका जीसीडी क्या होता है, उसका जो जीसीडी होगा वो ए ही हो जाएगा अगर बी आपका जीरो है, तो ये तो होगा आपका बेस केस जो हमने कल डिस्कस करा था, नहीं तो क्या होगा आपका, जीसीडी हो जाएगा इधर आ जाएगा आपका बी और इधर आ जाएगा आपका ए रिमाइंडर बी अदरवाइज, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो, ठीक है, एल्स, ये आपका एल्स वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एल्स वाला पार्ट, ठीक है। ये कल हमने देखा था रिलेशन, है ना, कुछ स्टूडेंट्स कल क्लास में नहीं थे, है ना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगली क्लास से सी प्लस प्लस करेंगे हम ना, सी प्लस प्लस स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, तो सारा आपको समझ में आने लग जाएगा। ये सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट वीडियो है, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन अगली क्लास से कंटिन्यू करो, सी प्लस प्लस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा डिले हो गया था हमारी क्लास में, लेकिन वो आज ही हुआ था ना, रेगुलर नहीं होता है डिले। देखो जीसीडी ऑफ ए बी क्या होता है, इसकी आंसर ए होता है अगर बी जीरो है, ठीक है, समझा, क्या समझा,
क्या समझा भाई? ठीक है, जीसीडी ए बी क्या होगा आपका? ए होगा अगर बी की वैल्यू जीरो है, और इसका आंसर क्या होगा? अगर बी की वैल्यू जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, जीसीडी बी ए रिमाइंडर बी। ठीक है, ये इसका रिलेशन होता है, आप अभी इसको समझ लो कि हाँ ऐसा होता है ये। ठीक है, तो देखो अब इसी चीज को हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वही आपका जीसीडी का प्रोग्राम बनाते हैं हम इधर। तो ये जो है आपका, इसको गेट सी एच को हटा के थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये आपका लिख दो, या तो फिर गेट सी एच आपका हो गया और ये हो गया। ठीक है, और यहां हमने जीसीडी वाला प्रोग्राम लिखा, तो कैसे लिखेंगे, इंटीजर जीसीडी, और यहां पर आपने लिखा इंटीजर ए और इंटीजर बी। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है, वही चीज हमको यहां पर इंप्लीमेंट कर देनी है कि अगर इफ आपका बी इक्वल टू जीरो है तो आपको क्या करना है, आपको कर देना रिटर्न ए, अगर ऐसा है तो। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, उस केस में आपको रिटर्न कर देना है, ठीक है, जी सी डी यहाँ पे बी, और यहाँ पर आएगा आपका ए रिमाइंडर बी। ठीक है, ये आपको रिटर्न कर देना, बस ये आपका जी सी डी का हो गया। ऊपर जो है हमको ये वाली लाइन कॉपी करनी पड़ेगी, जी सी डी या इंटीजर कॉमा इंटीजर। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा का पूरा प्रोग्राम। ठीक है, आप ऐसा कराओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार देख लो। ठीक है, ये रिलेशन, बस आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है कि जीसीडी का ये रिलेशन होता है ना, इस रिलेशन को बस हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अगर इसका बिना रिकर्शन से करेंगे तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो रिकर्शन से जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं प्रोग्राम बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, बस हमको वो मैथमेटिकल एक रिलेशन बना होता, जैसे ही वो रिलेशन बना हम बस उसको इम्प्लीमेंट कर देते। देखो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वही जी सी डी ए बी है, वही जी सी डी ए बी है। कंडीशन क्या है, अगर बी जीरो है तो आंसर होगा ए। ठीक है, तो अगर बी इक्वल टू जीरो है तो रिटर्न कर दो ए, और अगर ऐसा नहीं है तो ये रिटर्न कर दो बी कॉमा ए परसेंटेज बी। ठीक है, ए रिमाइंडर बी बोलते हैं इसको, जीसीडी बी कॉमा ए रिमाइंडर बी। ठीक है, देखो रिमाइंडर बी का मतलब क्या होता है, वही जो आपका रिमाइंडर होता है ना, शेषफल, इसका मतलब होता है शेषफल, ये उसी का ही साइन है ना, आपने करा होगा तो इसको पता होगा कि इसका मतलब होता है शेषफल, कि अगर मैं ए में बी का भाग दूंगा तो जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है रिमाइंडर, वो बेसिकली यहां पर आएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली करेगा, आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर मैं 7 में 4 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 3। ठीक है, तो ये वो वाला है, कैसे करेंगे, जैसे ये 7 है, ये मेरा 4 है, ठीक है, यहां मैंने डिवाइड किया, 4 बन जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 3 इज द रिमाइंडर, 1 इज क्वोशेंट, तो ये 3, इस तरह से ये रिमाइंडर फंक्शन होता है। ठीक है, तो यही हमने रिमाइंडर फंक्शन यूज में लिया, ये आपका जीसीडी का पूरा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, बस इसी तरह से एक और है हमारे पास कॉफिशियंट वाला, वो भी बुक में दे रखा है, लेकिन वो आपके लिए वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है वो, क्योंकि कॉफिशियंट वगैरह मैथमेटिक्स की चीजें आपने पढ़ी नहीं होगी, तो इसलिए एग्जाम में आने के चांसेस कम है, लेकिन चलो कवर कर लेते हैं हम, क्योंकि दे रखा है तो कवर तो करना ही है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है वो एग्जाम के लिए। ठीक है, वो वाला प्रोग्राम भी देख लेते हैं हमारा, क्या है वो, बाइनोमियल कॉफिशियंट है बेसिकली, है ना, बाइनोमियल कॉफिशियंट है, उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे एक चीज होती है एनसीआर, आपने पढ़ा नहीं होगा इसलिए थोड़ा सा वो लगेगा, एनसीआर है ना, इसकी वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, ये एनसीआर है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है, इसकी वैल्यू क्या आती है आपका, आती है इसकी वैल्यू फैक्टोरियल एन, और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ठीक है, ये है, अब फैक्टोरियल का प्रोग्राम हमने बनाया ही था, बस करना ही कुछ नहीं है इसमें ना, बस आपको ये फॉर्मूला ही ध्यान रखना है कि एक एनसीआर होता है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल कॉफिशियंट, है ना, बाइनोमियल कॉफिशियंट, COEFFICIENT। ठीक है, ये बाइनोमियल कॉफिशियंट बोलते हैं इसको, एनसीआर, इसका आंसर क्या होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यही चीज है, अपन ने फैक्टोरियल एन की वैल्यू तो निकाली थी, बस वही रिकर्शन हमको लगा देना है, तो फैक्टोरियल वाला नहीं देखते हैं अपन, बाकी ये देख लेते हैं करेंगे कैसे। देखो ये, तो ये कैसे करेंगे, सीधी सी चीज है, आपको दो वैल्यू चाहिए एन और आर, तो दोनों वैल्यू अपन ले लेते हैं कि क्या क्या होती है ना। देखो ये तो है आपका नीचे फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसको तो छोड़ दो, ये ऊपर हम फैक्टोरियल लिख देंगे, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, दो वैल्यू ले लेते हैं, इंटीजर एन
और आर, ठीक है, दोनों को स्कैन कर लेते हैं, स्कैन एफ परसेंटेज डी और आपका एम परसेंट एन। अब आपने एन की वैल्यू डाल दी कोई, और दूसरा केस मैंने लिया स्कैन एफ परसेंटेज डी और एम परसेंट आर, आपने आर की वैल्यू डाल दिया ना। आप कुछ भी वैल्यू डालो, पॉजिटिव वैल्यू डालनी है ना, बस पॉजिटिव वैल्यू डालनी है या फिर नॉन जीरो वैल्यू डालनी है ना, या जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो, जीरो वन टू थ्री, जनरली इस तरह की वैल्यूज डालनी है आपको ना, होल नंबर्स डालना है बेसिकली, है ना, नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते। एन और आर की वैल्यू इंटीजर्स होगी और नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसे कोई सी भी दो वैल्यू आप एन और आर की डाल दोगे, बेसिकली इसमें एग्जाम्पल भी नहीं दे रखा बुक में, केवल प्रोग्राम ही दे रखा है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हम केवल इसको देख रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ना इस चीज को। तो हमको क्या करना है, बस हमारे पास तो यही फॉर्मूला है एक, इसमें बस ये कंडीशन ये लगानी है कि इफ अगर आपका अगर आर की वैल्यू एन से बड़ी है तो जो है हमको क्या करना है कि रॉन्ग इनपुट है उस केस में ना, उस केस में हम जो है लिख देंगे कि रॉन्ग इनपुट, या हम प्रिंट करवा सकते हैं प्रिंट एफ और यहां लिख देंगे रॉन्ग इनपुट, आपका जो इनपुट आपने करा है वो गलत है ना, मतलब दोबारा से आपको इनपुट करो, और यहां पर जो है आप ऐसा कर दो दोबारा, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना। तो उस केस में हम क्या प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, आपका परसेंटेज डी हो गया। अब देखो इसमें क्या करवाएंगे, फैक्ट एन, तो यहां पर हम लिख देंगे फैक्ट ऑफ एन, ठीक है, और फिर जो है फैक्ट एन है और इसको आपको डिवाइड करना है, किससे करना है, इससे और इससे, तो बस यही लिख दो कि फैक्ट आपका एन माइनस आर और मल्टीप्लाई कर दो फैक्ट आपका आर, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है, ऐसे, और ये आपका आंसर आ जाएगा बस। और नीचे जो है आपको क्या लिखना है, नीचे जो है आपको वही गेट सी एच, ये आपका प्रोग्राम मेन तो बंद हो ही गया, और नीचे जो है आपको फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम लिख देना अपना, ये इंटीजर फैक्ट और आपका इंटीजर, ठीक है, ये आपका नीचे प्रोग्राम आ जाएगा, वही हम लिख देंगे यहाँ पर इंटीजर फैक्ट इंटीजर, है ना, और यहाँ पर लिख दो आप ए लिख दो चाहे कुछ भी, ठीक है, ये हमारा फैक्टोरियल का नीचे प्रोग्राम बन जाएगा। और बस यही लाइन जो है हमको यहाँ लिख देनी है ना, क्या हो जाएगा फैक्ट एन, ये हमारा फैक्ट एन है, फैक्ट एन, फिर डिवाइड करना है उसको, इस पूरे से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करा मैंने फैक्ट फैक्ट एन माइनस आर मल्टीप्लाई बाय फैक्ट आर, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस पूरे को जो है एक पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है, ये एक दो ब्रैकेट जबरदस्ती, अच्छा एक प्रिंट एफ का ब्रैकेट है, ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा बस। ये जो हो गया पूरा आपका रिकर्शन के फंक्शन हो गया ना, तो रिकर्शन में बस आपको ध्यान में रखो कि अगर आपको ये रिलेशन दे रखा है तो आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए बस। इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा ये लगेगी कि अगर आर की वैल्यू एन से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये गलत है, ठीक है, इसका आंसर नहीं आएगा, तो उस केस में आप प्रिंट कर दो कि भाई रॉन्ग इनपुट है, दोबारा से इनपुट डालो, है ना, बस ये है, ये जो है आपका पूरा रिकर्शन हो गया, ठीक है, बस। अब नेक्स्ट क्लास से हम C++ स्टार्ट करेंगे। अब बताओ किसी को कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, ठीक है, अभी तो हमारे पास थोड़ा टाइम बचा है, तो अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकता है। आशीष, ध्रुव और टीनू, पूछना है किसी को कुछ भी?